अब इसमें फिल्म के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ कि इसकी पृष्ठभूमि इलाहाबाद की है, चूँकि मेरा जन्म भी इलाहाबाद में हुआ और शिक्षा भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहा भी मैं यहाँ, तो इलाहाबाद को काफ़ी अच्छे से समझने का मुझे मौका मिला और मुझे लगा कि यहाँ पे ही इतना पोटेंशियल है कि इलाहाबाद को ही क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए अच्छी तरह से। और इसके पीछे एक कहानी भी है, करीब 10 साल पहले मैं जब अपना बैनर रजिस्टर्ड कराया था मुंबई में वाइफा में, तो मैं वहाँ बैठा था जब रजिस्ट्रेशन कराने गया, तो वहाँ पर जो सज्जन बैठे हुए थे 3-4 बुजुर्ग टाइप के, उन्होंने लगभग मजाक सवाते हुए बोला फर्क है हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में जितने लोकेशन से जितनी खूबसूरती है हमें तो कहीं नहीं दिखती। तो मैं तो अपना सारा काम यहाँ करता हूँ और बहुत लोग यहाँ करने आते हैं, इतने लोकेशन से खूबसूरत ले सके उन्हें पता नहीं है, और इलाहाबाद को बहुत अच्छा दिखाया जा सकता है और मैंने प्रयास किया इस फिल्म में दिखाया। इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित हैं, क्या इसमें है सर? ये फिल्म बहुत सबसे प्रथम बात ये है कि यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं कुमार नारायण जी, अशोक जोगरी जी, अनन्या पांडे जी, और जो फिल्म के मेन हीरो हैं इलाहाबाद से जुड़े हैं नवनीत श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस कहानी की पटकथा और डायलॉग्स भी लिखे हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे सुनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी चूँकि इलाहाबाद से हूँ तो मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म करनी चाहिए। मैंने एक एक्शन, चूँकि पब्लिक तो एक्शन पसंद करती है या तो कॉमेडी पसंद करती है, तो मैंने कहा कि मसाला होना चाहिए फिल्म, तो क्यों ना देखे फिल्म। उसमें मैंने एक एक्शन ये दी और टच किया कि हॉलीवुड देखे हमारा साउथ की फिल्में हैं उससे कहीं बुरा न रहे, मैंने हमारे लिए अच्छा लोकेशन दिखाने का प्रयास किया, वो दिखाया। ये मसाला क्या है? मसाला मतलब ये जो भ्रष्टाचार है या कोई क्राइम हो रहा है, कुछ चीज़ें होती जहाँ इंटरटेनमेंट मिल जाती है, फिल्म होती है सिर्फ इंटरटेनमेंट होती है और मैसेज देती है, तो हम मैसेज जब दे रहे हैं तो जो हमारे साथ 2 घंटे बैठा तो उनका इंटरटेनमेंट उनके प्रसाद उनका लगन होनी चाहिए देखने की। तो मसाला एक शब्द बोलते हैं, मसाला कोई ऐसा शब्द नहीं है, मसाला कोई ख़राब शब्द है, एक मटेरियल है, तो एक फिल्म को एक पब्लिक के लिए 2 घंटा बैठने का मटेरियल होता है उसे मसाला बोलते हैं। तो हमारी फिल्म पूरा एक्शन फिल्म है और उसे हमने दिया है। तो राखी सर से जुड़ी थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और सर ने मुझे बाद में बताया कि तुम्हारे अंदर कला है, तुम एक आर्टिस्ट बन सकती हो, आगे जा सकती हो, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद एक्टिंग में जाना चाहिए, और मैं इस एक्टिंग को की और सर ने मुझे अगर सरप्राइज़ के तौर पे सेकंड लीड का मौका दिया, तो मैं राखी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। नॉनी सर ने मेरी बहुत हेल्प की आगे मुझे ले जाने के लिए, मैं दोनों को थैंक्स करती हूँ। इलाहाबाद में आपने वो शूटिंग किया है तो यहाँ के और दूसरे जगहों में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? सर अभी तो मैंने इलाहाबाद में ही शूटिंग की है, तो मैं यही बता सकती हूँ यहाँ तो बहुत अच्छा लगा शूटिंग करके। अपना परिचय, और मेरा नाम अनन्या पांडे है, मैं नेपाल में रहती हूँ। मेरे फादर मदर्स मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं इस लाइन में आगे जाने के लिए, वो कहते हैं कि अच्छा रोल अच्छी एक्टिंग मिले तो आप ज़रूर करिए आगे जाइए, उन्होंने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है, मैं अपने फादर और मदर का बहुत थैंक्स करती हूँ, आज मुझे उन्होंने इस काबिल बनाया।